भी नमस्कार सभी राजस्थान फायरमैन फायर फाइटर ऑफिसर्स को। आज फायरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर का जो फिजिकल प्रैक्टिकल का शेड्यूल है वो डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हम बात कर लेते हैं कौन सा ग्राउंड सेलेक्ट हुआ है, टाइमिंग क्या होगा और कौन कौन से रोल नंबर के जो कैंडिडेट हैं किस तारीख को इनका जो प्रैक्टिकल फिजिकल है वो कंडक्ट होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं अजमेर के जो कैंडिडेट हैं उनका CRPF ग्राउंड GC1 कुंदन नगर अजमेर के अंदर जो ग्राउंड है वो सिलेक्ट किया गया है और उनका टाइमिंग होगा 8:30 बजे 28 तारीख से ये जो 25 कैंडिडेट हैं उनका करवाया जाएगा। फिर 29 तारीख को इन रोल नंबर वाले कैंडिडेट का करवाया जाएगा, 30 तारीख को ये जो रोल नंबर दिए गए इनका होगा। इसी तरीके से जो है वो कंटिन्यू इनका चलता रहेगा। फिर आ जाता है अपने पास में जयपुर वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, जयपुर वाले जो कैंडिडेट हैं इनका जो रोल नंबर ये जो डिक्लेयर किया गया इनका होगा राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिषद दुर्गापुर के अंदर, ठीक है। दूसरा जो ग्राउंड सेलेक्ट हुआ है ये। इसके बाद अलवर की अगर हम बात कर लें तो इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर के अंदर सिलेक्टेड किया गया फायरमैन का जो ग्राउंड है फिजिकल प्रैक्टिकल का, वो शेड्यूल 8:30 बजे से होगा और रोल नंबर बाकायदा आप देख पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात कर लें जयपुर दुर्गापुरा के अंदर राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिषद दुर्गापुरा, इसके अंदर ये जो रोल नंबर है वो सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास में यही दुर्गापुरा के अंदर, फिर आ जाता है अपने पास में यही सेम राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुर जयपुर के। तो जयपुर के जो भी कैंडिडेट हैं वो अपनी जगह लोकेशन जरूर चेक कर लें और अपना रोल नंबर जरूर चेक कर लें। 12 के जो कैंडिडेट हैं उनका जो ग्राउंड सेलेक्ट हुआ है रिजर्व पुलिस लाइन 12 के अंदर, ठीक है। बाकायदा रोल नंबर का जो शेड्यूल आप देख पा रहे होंगे। फिर आ जाता है अपने पास में दुर्गापुरा जयपुर वाले कैंडिडेट का ही। फिर आ जाता है अपना बाड़मेर के लिए जो स्टेडियम सेलेक्ट हुआ आदर्श स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें फिर वही जयपुर वाले जो कैंडिडेट हैं उनका आ जाता है दुर्गापुरा के अंदर राज्य कृषि प्रबंधन परिषद के अंदर। नेक्स्ट इसी तरीके से जो शेड्यूल आप कंटिन्यू देख पा रहे हैं। फिर आ जाता है अपने पास में बीकानेर के स्टेडियम की बात करें तो डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम जो है वो सिलेक्टेड हुआ है बीकानेर के जो कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। फिर बूंदी की अगर हम बात करें तो राजकीय खेल जो स्कूल है वो बूंदी के अंदर स्टेडियम सिलेक्टेड हुआ है। फिर इसके बाद अगर हम बात कर लें नेक्स्ट चूरू की तो पुलिस लाइन खेल मैदान जो चूरू है उसके अंदर आपका फायरमैन वाले जो कैंडिडेट है चूरू वाले उनका फिजिकल प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। बात करें दोसा वाले जो राजेश पायलट स्टेडियम है गुप्तेश्वर जो रोड दोसा के अंदर है उसके अंदर आपका कंडक्ट होगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें धौलपुर के तो पुलिस लाइन के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर हम बात कर लें आगे की तरफ डूंगरपुर तो लक्ष्मण जो मैदान सर्किट हाउस के पास सामने जो है डूंगरपुर ये जो मैदान है वो सिलेक्टेड किया गया है डूंगरपुर वाले कैंडिडेट्स के लिए। बात करें हनुमानगढ़ के लिए तो राजीव गांधी स्टेडियम हनुमानगढ़ के अंदर ये जो ग्राउंड है वो आपका सिलेक्टेड हुआ है। जयपुर की बात कर लें तो बनी पार्क फायर स्टेशन नगर निगम हेरिटेज जयपुर इन रोल नंबर वाले कैंडिडेट का जो डिक्लेयर है वो किया गया है। इसके बाद जैसलमेर के जो कैंडिडेट हैं इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम सिलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है जालौर के जो कैंडिडेट हैं रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड के अंदर आपका जो फिजिकल प्रैक्टिकल है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें झालावाड़ वाले जो कैंडिडेट हैं जी महमी स्टेडियम निर्भय सिंह सर्किल के पास में जो पुलिस लाइन है झालावाड़ वहाँ पर आपका जो कंडक्टेशन है फिजिकल और प्रैक्टिकल है वो होगा। झुंझुनू की अगर हम बात करें तो झुंझुनू के जो कैंडिडेट हैं स्वर्ण जयंती जिला स्टेडियम मंडावा रोड झुंझुनू के अंदर आपका फिजिकल प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से जोधपुर की बात करें तो राजकीय पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है वो सिलेक्ट हुआ है। इसके बाद में बात करें करौली के बारे में तो करौली के त्रिलोक चंद माथुर जो स्टेडियम है वो सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें नयापुरा इसके अंदर जो कोटा है कोटा के अंदर महाराव उमेद सिंह जो स्टेडियम है वो सिलेक्ट किया गया है। इसके बाद अगले बात करें नागौर के बारे में तो जिला स्टेडियम जो नागौर है वो सिलेक्ट हुआ है। इसी तरीके से सीरियल वाइज सभी की एक बार बात कर लेते हैं। पाली की अगर बात करें तो बांगड़ जो स्टेडियम है सरदार पटेल नगर है वो पाली उसके अंदर वो स्टेडियम जो है सिलेक्ट किया गया है। इसी तरीके से प्रतापगढ़ की बात करें तो स्पोर्ट्स कैंपस खेलगांव जो ग्राउंड है वो सिलेक्ट किया गया है। राजसमंद की बात करें तो अग्निशमन जो केंद्र है नगर परिषद कार्यालय इसके अंदर सिलेक्शन जो है किया गया फिजिकल प्रैक्टिकल के लिए। उसके बाद माधोपुर की अगर बात करें तो पुलिस लाइन के अंदर इसका जो कंडक्ट है वो करवाया जाएगा।
इसी के साथ में अगले शेड्यूल की बात करें सीकर के बारे में, तो जिला जो स्टेडियम, जिला स्टेडियम सामली जो रोड है सर्किल के ऊपर, उसके अंदर इसका जो फिजिकल प्रैक्टिकल सीकर वाले कैंडिडेट के लिए करवाया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें सिरोही के बाद में अरविंद पेवोलियन जो स्टेडियम है इसके अंदर होगा, और श्री गंगानगर के जो कैंडिडेट है श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो राजकीय महाविद्यालय स्टेडियम है उसके अंदर जो है वो करवाया जाएगा। इसके बाद बात करें टोंक के, तो अम्बेडकर जो खेल स्टेडियम है उसके अंदर टोंक वाले जो कैंडिडेट है उनका करवाया जाएगा। इसके बाद में उदयपुर वाले जो कैंडिडेट है भंडारी दर्शक मंडल चेटक सर्किल के पास उदयपुर, इसके अंदर आपका जो फिजिकल प्रैक्टिकल है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो शेड्यूल आप सभी को डिक्लेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपना फिजिकल प्रैक्टिकल का जो रोल नंबर है एक बार जरूर चेक कर लें किस डेट के अंदर शेड्यूल होने वाला है। ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार गजब तरीके से जो तैयारी है प्रॉपरली तरीके से चली हुई है। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।